भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में साई सुदर्शन ने भारत के लिए डेब्यू किया। साई सुदर्शन वो नाम है जो भारतीय क्रिकेट में पिछले दो साल से लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। साई सुदर्शन के सबसे बड़े फैन और कोई नहीं, खुद रविचंद्रन अश्विन हैं। साई सुदर्शन का नाम डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक लगातार चर्चाओं में बना रहा है। अब वो मौका आया है जब साई सुदर्शन को भारत के लिए खेलने का मौका मिला है। साई सुदर्शन की कहानी थोड़ी अलग है, बाकी और जो क्रिकेटर्स होते हैं उनसे साई सुदर्शन का जो बैकग्राउंड है थोड़ा अलग नजर आता है। पहले इस मुकाबले की बात कर लेते हैं जिस मुकाबले में साई सुदर्शन ने डेब्यू किया है। टारगेट कम था, भारत को बहुत बड़ा लक्ष्य चेज नहीं करना था, उसके बावजूद साई सुदर्शन ने अपने धैर्य का परिचय दिया और अपने पहले ही मुकाबले में 55 रनों की एक शानदार पारी खेल दी। इस मुकाबले से उन्होंने साबित कर दिया कि भाई इंडियन टीम के लिए जो उनको कॉल आना था, भारतीय टीम में उन्हें जो जगह दी गई है वो बहुत हद तक सही है, वो बहुत हद तक जायज़ है और वो इसके हकदार है। अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो साई सुदर्शन के माता और पिता दोनों ही एथलीट रहे, यानी साई सुदर्शन के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही स्पोर्ट्समैन हैं। उनके पिता की अगर बात कर लें और माता की बात कर लें, दोनों ने अपने किसी न किसी लेवल पर स्पोर्ट्स खेला हुआ है। साई सुदर्शन के पिता साउथ एशियन गेम्स में बतौर एथलीट हिस्सा ले चुके हैं, वहीं उनकी माँ उषा भारद्वाज तमिलनाडु की ओर से वॉलीबॉल खेल चुकी हैं। सुदर्शन भी इतनी छोटी सी उम्र में अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुके हैं। सुदर्शन अभी सिर्फ 22 साल के हैं, लेकिन उनकी टेक्निक और उनका टेम्परामेंट बेहद खास है। साई सुदर्शन का अगर रिकॉर्ड देखें तो घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु की ओर से खेलते हुए साई सुदर्शन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। सुदर्शन साल 2022 में पहली बार आईपीएल के दौरान चर्चा में आए थे, जब उन्होंने गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए आईपीएल जैसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्होंने 5 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 145 रन बनाए थे। सुदर्शन की इस बेहतरीन प्रतिभा को देखते हुए गुजरात टाइटंस ने उन्हें आईपीएल 2023 के लिए रिटेन किया था। इस लेफ्ट हैंड बैटर ने आईपीएल के 16वें सीजन में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। साई सुदर्शन ने आईपीएल 2023 के फाइनल में बेहतरीन पारी खेली थी। ये मुकाबला जरूर चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया था, लेकिन साई सुदर्शन की पारी वाकई लाजवाब थी। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने 96 रनों की पारी खेलकर खूब वाहवाही बटोरी थी। इस प्रतिभावान बैटर ने आईपीएल 2023 में 8 मैचों में 3 अर्धशतक की मदद से 362 रन जुटाए थे। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी का औसत भी 51 का था। साई सुदर्शन के अगर लिस्ट ए क्रिकेट के रिकॉर्ड को देखें तो वो भी बेहद शानदार है। अब तक खेले 26 मैचों में सुदर्शन 1324 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 63 का है, जिसमें 6 शतक भी शामिल है। इसके अलावा साई सुदर्शन इमर्जिंग एशिया कप में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगा चुके हैं। उन्होंने एशिया कप की 5 पारियों में 220 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी साई सुदर्शन अपनी छाप छोड़ चुके हैं। टीएनपीएल 2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे थे, जबकि टीएनपीएल 2023 की नीलामी में सुदर्शन सबसे महंगे 21 लाख में बिके थे। साई सुदर्शन चेन्नई से आते हैं, रविचंद्रन अश्विन भी चेन्नई से ही आते हैं, और बार बार रविचंद्रन अश्विन ये कहते आए हैं कि साई सुदर्शन एक लंबी रेस के घोड़े हैं। कल जब उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया, रविचंद्रन अश्विन ने एक ट्वीट किया और ये बताया कि साई सुदर्शन भारत के लिए काफी लंबा क्रिकेट खेलने वाले हैं और एक लेजेंड बनेंगे, ये रविचंद्रन अश्विन कह चुके हैं। अब देखना होगा आने वाले मुकाबलों में साई सुदर्शन क्या करते हैं, किस तरीके से उन्हें मौके दिए जाते हैं, और मौके मिलते हैं तो किस तरीके साई सुदर्शन उन्हें भुनाते हैं।